नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन सिंधी में। लिकोराइज रूट में ग्लिसरेजिन नाम का एक बेहद ही फायदेमंद कंपाउंड पाया जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल इत्यादि प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो में हम बात करते हैं लिकोराइज रूट पाउडर के सेवन से हमें किस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा है, मई रिड्यूस एसिड रिफ्लक्स एंड इंडाइजेशन। देखिये, एसिड रिफ्लक्स का सीधा मतलब होता है कि जब भी आप खाना खाते हो पाचन अच्छे से नहीं होता है, एसिडिटी की समस्या होती है, तीखी डकार आती है और मुंह में एसिड वापिस आता है। और इंडाइजेशन का मतलब है कि जब भी आप खाना खाते हो उसका पाचन अच्छे से नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंडाइजेशन। 2017 में 58 लोगों पर एक रिसर्च किया गया था, उसमें मालूम हुआ कि जब भी किसी व्यक्ति को एसिड रिफ्लक्स या इंडाइजेशन की परेशानी होती है, जब भी वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं या डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो वहां से कुछ मोस्ट कॉमन जो एंटासिड्स है वह प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। तो उसके मुकाबले अगर वह व्यक्ति लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट का सेवन करता है, लिकोराइज रूट पाउडर का इस्तेमाल करता है, सेवन करता है, तो GERD यानी कि गेस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का कुछ सिम्टम्स जैसे कि हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन होना, एसिड रिफ्लक्स यानी कि तिखी डकार और एसिड वापस मुंह में आना, और इंडाइजेशन यानी कि खराब पाचन की जो समस्या है उससे अच्छे से राहत मिल जाती है। नंबर दो है, हेल्पफुल इन सम स्किन कंडीशंस। अगर किसी व्यक्ति को त्वचा संबंधित कोई समस्या है जैसे कि एक्जेमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, तो ऐसे स्किन कंडीशंस के अंतर्गत लिकोराइज रूट पाउडर को एज ए टॉपिकल एजेंट यानी कि एक्सटर्नल तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 2019 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें देखने को मिला कि अगर किसी व्यक्ति को एक्जेमा की स्किन कंडीशन है, वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे 1% हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम प्रिस्क्राइब करके देते हैं, व्यक्ति एज ए टॉपिकल एजेंट उसका इस्तेमाल करता है और एक्जेमा की जो स्किन कंडीशन है उसमें राहत देखने को मिलती है। ऐसी ही राहत अगर वह व्यक्ति लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट वाली जो क्रीम जिसमें लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट के साथ साथ विलो बार्क रूट और जेंशन रूट एक्सट्रैक्ट भी शामिल है, अगर वह व्यक्ति इस प्रकार की क्रीम का इस्तेमाल करता है, तो जो 1% हाइड्रोकोर्टिसोन वाली क्रीम में जैसे राहत मिली थी, जो एफिशिएंसी थी, वैसे ही एफिशिएंसी यह क्रीम में भी मिलती है। जिसका सीधा मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई स्किन कंडीशन है जैसे कि एक्जेमा है, तो इस प्रकार की क्रीम जिसमें लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट है इसका इस्तेमाल करते हो तो राहत मिल सकती है। नंबर तीन है, मे हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, यानी कि लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट में कैंसर के सेल्स के सामने लड़ने की क्षमता होती है। एनिमल स्टडीज में ऐसा देखने को मिला कि लिकोराइज रूट पाउडर के अंदर, एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कैंसर के सेल्स के ग्रोथ को रोक सकती है, खास करके स्किन, कोलोरेक्टल और जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें। हालांकि ह्यूमन स्टडीज अभी तक नहीं हुई है, इसलिए ह्यूमन कैंसर के अंतर्गत इसकी जो भी एफिशिएंसी है वो अभी तक अननोन है। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि लिकोराइज रूट पाउडर के इस्तेमाल से, उसके सेवन से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। नंबर चार है, यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर। एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हमारे स्टमक, लोअर एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन में छाले पड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। 2023 में हुई एनिमल स्टडी के अनुसार लिकोराइज रूट में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाकर सूजन कम करते हैं, जिससे पेप्टिक अल्सर से राहत मिलती है। 120 लोगों पर 2016 में किए गए एक रिसर्च के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर की समस्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ साथ अगर लिकोराइज रूट पाउडर या फिर लिकोराइज रूट के एक्सट्रैक्ट का अगर सेवन करते हैं, तो दो हफ्तों के बाद एच पाइलोरी बैक्टीरिया की प्रेजेंस को कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से जो पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट है वह फास्ट और ज्यादा एफिशिएंसी वाली हो सकती है। नंबर पांच है, गुड फॉर ओरल हेल्थ, यानी कि हमारी ओरल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए लिकोराइज रूट पाउडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लिकोराइज रूट पाउडर की मदद से कुछ ओरल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि टूथ डिके, ओरल थ्रस, कैंकर सोर्स, पेरियोडोंटाइटिस इत्यादि में राहत मिल सकती है। हालांकि उसका डोज कितना होना चाहिए, किस फॉर्म में लेना चाहिए, उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च की अभी आवश्यकता है। नंबर छह है, मे हेल्पफुल इन अस्थमा। लिकोराइज रूट में मौजूद ग्लिसराइजिन कंपाउंड में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, जिससे अस्थमा के कुछ लक्षणों में राहत मिल सकती है। हालांकि इसके ऊपर अभी और रिसर्च की आवश्यकता है।
इसके अलावा लिकोराइज रूट पाउडर को कुछ दूसरी मेडिकल कंडीशंस के विषय में भी उपयोग में लिया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज, मेनोपॉज सिम्टम्स, हेपेटाइटिस सी, वेट मैनेजमेंट इत्यादि। लिकोराइज रूट पाउडर के उपयोग से पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर एक्सपर्ट की सलाह लेनी काफी जरूरी हो जाती है। बिना डॉक्टर की एडवाइस लिकोराइज रूट पाउडर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।